देखिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में जो समानांतर समतल संचार की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें जो सीमाएं अगर हम देखें तो पहली सीमा में देखने को क्या मिलती है कि दृष्टिकोण में अंतर होगा। कैसे? देखिए एक दो तीन चार, मैंने चार या अलग अलग इंसान बनाया, वैसे रियल में इंसान नहीं है कि डायग्राम है, ठीक है, आप इनको बस समझिए कि अलग सोच वाले व्यक्ति हैं। तो एक बार सोचिए क्या इसका और इसका सोचना सेम होगा, इन चारों का सेम होगा जैसा होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट अप्रोच होती है। ठीक, अब एक बात सोचिए, जो चीज़ मैं सोच सकता हूँ क्या वो आप सोच सकते हो? नहीं। ठीक, जो चीज़ आप सोच सकते हो क्या वो मैं सोच सकता हूँ? नहीं। कुछ पहलुओं पे हाँ संभव है, लेकिन हर पहलुओं पे संभव नहीं है। अब किसी चीज़ को लेकर के मेरी सहमति कुछ है, मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक है, अब मान लीजिए ये वाला नंबर वन जो इंसान है ये हिंदू रिलीजन को फॉलो करता है, ठीक ठीक है भाई, अब दूसरे वाला इंसान है ये मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करता है, अपनी मर्जी भाई इनकी, तीसरे वाला इंसान है ये क्रिश्चियन को फॉलो करता है, और चौथा जो है ये बुद्धिस्ट को फॉलो करता है। अब देखिए सबके सब अलग अलग फॉलो कर रहे हैं, अब यहाँ ऐसा तो नहीं है भाई इनके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है किसी प्रकार का, ठीक है, मान लीजिए किसी को अच्छा लगा तो इन्होंने आपस में चेंज कर लिया, भाई मैं आप ये वाला भी फॉलो करूँगा, क्या पता ये दोनों ही फॉलो करता हो या फिर ये दोनों फॉलो करता हो या फिर ये इंसान सारे फॉलो करता हो, ठीक, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबका दृष्टिकोण अलग है। ये वाला देखता हूँ, अब मान लीजिए कि एक टीम बनाते हैं, ठीक, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ये ग्यारह इंसान टीम में, ठीक है, कोई बैट्समैन होगा, कोई बॉलर होगा, कोई विकेट कीपर होगा, कोई अच्छा फील्डर होगा, ठीक है, कोई स्पिनर बॉलर होगा उसमें भी, कोई फास्ट बॉलर होगा, कोई बैट्समैन के साथ में विकेट कीपर भी होगा, ठीक है, लेकिन अब सारे सारे हैं, और कोई होगा ऑलराउंडर भी होगा, ऑलराउंडर, ठीक है, सबके सब में अलग अलग क्वालिटी है, तो क्या सबको कैप्टन बना दे? नहीं, कैप्टन तो कोई एक ही बनेगा, अब चाहे वो विकेट कीपर भी कैप्टन हो सकता है, बॉलर होगा तो भी कैप्टन हो सकता है, ठीक है, बैट्समैन होगा तो भी कैप्टन हो सकता है, फील्डर होगा तो भी कैप्टन हो सकता है, करेक्ट है ना, ऑलराउंडर होगा तो भी हो सकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई इनमें से एक टर्म एंड कंडीशन डाल दिया कि नहीं भाई आपको ये होना मस्ट है तभी आप कैप्टन बनोगे, ठीक, अब यहाँ तो ऐसी अप्रोच आ गई, ठीक है ना, जैसे हॉकी में होता है कोई प्लेयर है वो सेंटर फॉरवर्ड खेलता है, ठीक है, तो क्या हर प्लेयर सेंटर फॉरवर्ड खेले या फिर सबको अच्छा लगता है? अब मान लीजिए टीम बनी, सबका दृष्टिकोण अलग अलग होगा, ठीक, कैप्टन डिसाइड करेगा कौन टीम में है कौन नहीं है, वो जानता है कि उसको कभी किस मैच में यूज़ करना है, किसको किस मैच में यूज़ करना है, तो यहाँ पर क्या होगा कि दृष्टिकोण की बात है। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि रब तो नहीं करता ऐसे बताता हूँ, देखिए पहले वाला इंसान दूसरा तीसरा चौथा इनको ले लेते हैं दोबारा से, अब ये सब आपस में फ्रेंड है, ठीक है, ये एक अच्छा फ्रेंड है, ये बहुत शांत स्वभाव का है, स्वभाव है उसका दृष्टिकोण है शांत, वो शांत तरीके से सुनता है सब कुछ देखता है, ये वाला जो है ये बस हवा में ही रहता है, अरे जो होगा देखा जाएगा हटाओ है तो दोस्त, लेकिन क्या है इसका स्वभाव में इसके स्वभाव में अंतर है, इसका दृष्टिकोण अलग है, इसलिए ये वाला जो है ये सबकी परवाह ज़्यादा करता है, ठीक, कि भाई क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे परवाह ज़्यादा करता है, और ये वाला जो इंसान है ये किसी की परवाह नहीं करता, जाने दो जो होगा देखा जाएगा मरने दो, ठीक है तो चारों दोस्त, लेकिन हर पहलू पे चारों की सोच अलग अलग है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की सीमाएँ होती हैं ऐसी, ठीक है, कि जब इंसान तो एक हो सकता है, उसकी एज एक हो सकती है, अब यहाँ पर हमने बोला कि एज कोई ग्रुप होगा, एज का कोई मैटर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, कोई दो साल छोटा बड़ा भी हो सकता है, दस साल का भी गैप हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, उनके यहाँ पे पोस्ट को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई एक ही पोस्ट बड़ी एक ही छोटी है, या फिर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में कोई प्राइवेट सेक्टर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, यहाँ पर फर्क पड़ा तो पड़ा किससे, इनकी बुद्धि से, इनकी सोच से, ठीक है, किसी सोच कैसी है, कोई बियर पीता है तो कोई दारू पीता है, तो कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है तो कोई पानी ही पीता है, किसी को चाय अच्छी लगती है तो किसी को कॉफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में सीमाओं में अगर हम देखें तो दृष्टिकोण में अंतर बहुत होता है, ठीक है, सबका डिफरेंट अप्रोच होगा। मान लीजिए हमने इसको एक काम दिया, एक बाइक दे दी कि भाई ये आपकी बाइक है, ठीक है,
और देखिए मैं बाइक बनाना जानता नहीं वैसे, तो मैं ऐसा करके बना देता हूँ फिर भी एक बाइक दे दी। चलिए यहाँ पे हैंडल हो गया, ये बंदा बैटरी आएगा, ठीक है बाइक से दे दी हमने। और अब ये क्या बोलेगा कि इसको तो बाइक को 90 की स्पीड चलाना चाहता, कि 90 प्लस स्पीड होनी चाहिए तब मज़ा आता बाइक चलाने में। ये बोल रहा है कि भाई सावधानी जरूरी है, 40-45 पे सही है, सावधानी की बात कर दी इसने। ये बोल रहा भाई सावधानी तो बात ठीक है, लेकिन पेट्रोल भी तो बचना चाहिए, ऐ थोड़ी हवा में पेट्रोल आ रहा है, 40-45 स्पीड पे पेट्रोल बचता है, मैं तो ऐसे चलाऊँगा। ये क्या बोलता है, भाड़ जाओ मैं तो जूम जूम ऐसे ऐसे चलाऊँगा, जिग जैग, मतलब कभी यूँ निकाला कभी यूँ घुसा दिया, कभी ऐसे करा कभी ऐसे करा, ये ऐसे चला रहा है। तो क्या है तो दोस्त, एक एज ग्रुप का कोई मैटर नहीं है, बातें आपस में कर रहे हैं, बातें बाइक को लेकर कर रहे हैं, ठीक, लेकिन बाइक चलाने के सोच में दृष्टिकोण में अंतर है इन सबके। ऐसा नहीं कि सबका एक ही दृष्टिकोण है, एक ही सोच है, ठीक है। तो ऐसे हम कहते हैं दृष्टिकोण में अंतर, डिफरेंट अप्रोच, किसी भी चीज़ को सोचने की समझने की शक्ति अलग अलग है। इसमें अगला वो देखते हैं कि अगला दृष्टिकोण क्या हो सकता है, अगला जो सीमा है वो क्या हो सकती है इसकी। सेकंड अगर हम बात करें तो है अभिप्रेरणा का अभाव। अभिप्रेरणा का अभाव यानी कि lack of motivational, देखिए यहाँ पे हमने क्या बात करी कि lack of motivation यानी कि अभिप्रेरणा का अभाव। आपने कभी भी देखा होगा कि ये एक लड़का है, ठीक है, और ये एक फैमिली में रह रहा है और ये सब इसके फैमिली मेंबर हो गए, ठीक है, अब ये सब इसके फैमिली मेंबर हो गए। अब ये क्या कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, करेक्ट है। अब जो फैमिली मेंबर हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको मोटिवेट कर रहे हैं, भाई ऐसा है आप पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ने के बाद में आप IAS बन सकते हो, IPS बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, ठीक, डॉक्टर बन सकते हो या एडवोकेट बन सकते हो, कुछ भी डिफरेंस जो आपकी सोच हो, आपकी इच्छा हो करने की, वो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या, पढ़ना। तो ये ऐसे मोटिवेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो मान लो आप IAS बनो तो आपको ये फैसिलिटी मिलेंगी, मतलब इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ अच्छी फैसिलिटीज हैं, कुछ अच्छे पहलू हैं, ठीक है, आप अपने आप को स्टैंड कर पाओगे, देखो दूसरे ने क्या कर लिया, ये क्या बोलते हैं, देखो शर्मा जी का लड़का कितना अच्छा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, देखो वर्मा जी का कितना अच्छा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, चोपड़ा जी क्या कहेंगे ये करोगे तो ये क्या हो गया, ये एक मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चे को कि भाई आप कुछ ऐसा करो, यह मोटिवेशनल दिखाई दे रहा है। लेकिन अब हम ले लेते हैं ग्रुप में ही इसी व्यक्ति को, इसी बच्चे को ग्रुप में डाल देते हैं हम। अब ग्रुप क्या है, ग्रुप है दोस्तों का, ठीक, ये लीजिए, ये हो गया ग्रुप रेडी, 6 बंदों ग्रुप बना लेते हैं बस। अब देखिए ये जो ग्रुप है दोस्तों का, अब यहाँ सारे सारे इक्वल हो गए, यहाँ भी सब इक्वल है, इन्हें ऊपर नीचे रख लो कहीं भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब इन्होंने क्या किया कि ये जो बच्चा मान लीजिए इसी की हम बात कर लेते हैं, जिसको यहाँ पर भी मोटिवेट किया था इसके पेरेंट्स द्वारा, अब ये सब एडवाइस का ये लोग देंगे, ये क्या करेंगे, अरे छोड़ना कर लेंगे बाद में, अभी कौन सा जिंदगी जी, अभी तो जवान हुए, अभी तो मजा लो, घूमो फिरो, बाइक पे घूमो, ठीक है, ये इस प्रकार करेंगे। मतलब ये आपस में एक मोटिवेशनल जो कम्युनिकेशन होना चाहिए ना, कि नहीं यार तुमको ये करना चाहिए, नहीं तुम ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, ये सब नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। इनका क्या होगा, चल यार कहीं घूमने का प्लान करते हैं, ठीक है, कहीं घूमने जा रहे हैं तो प्लान कर रहे हैं कि जब गोवा चलते हैं, अभी गोवा का प्लान कर लेंगे, ठीक है, या मनाली चल रहे हैं, मनाली का प्लान कर लेंगे, घूमने का प्लान कराएंगे, मूवी देखने चल रहे हैं, यहाँ सब बातें कैसे होंगी, इस प्रकार के होंगे कि अच्छा तेरी गर्लफ्रेंड ने क्या कहा, तेरा बॉयफ्रेंड ने क्या कहा, अरे देख उसकी शादी हो रही, तू भी कर ले शादी, ठीक है, अपने या फिर अपने फादर से बोल तेरे को भी अच्छी कार दिला दे, मेरे पास तो कार है, अच्छा फ़ोन हो, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप हो, तो इस प्रकार की धारणाएं पर हमेशा बनी रहेगी जाते, ठीक है। पार्टी कर रहे हैं, अब मान लीजिए कोई पीता नहीं तो क्या होता है कि अरे यार पी लेना, कुछ नहीं होता, मैं भी तो पी रहा हूँ, उन्हें पीना सिखा दिया, फिर क्या बोलेगा वो जाकर, कर मैं तो पीता नहीं था, मेरे दोस्त मुझे पिला देते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन ऐसा प्रकार का होगा। अब यहाँ पर कहीं पर होगा कि यार देख ऐसा है, अब 12th कर ली, ग्रेजुएट भी हो गए, और एक काम करते हैं अब हम ना
तैयारी करते गए थे अच्छे उसके मिल करके, इन केस दिखाई देगा, इन केस दिखाई देगा, इन केस, और उसको हम प्रॉपरली नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि इतने सारे जो ऑप्शन दे रहे घर वाले, वो क्या फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड क्या बोलेगा, अरे मैं तो यार ये कर रहा हूँ, मान लीजिए वो क्या कर रहा है, वो आईटीआई कर रहा है, आईटीआई से कोई रिपेयरिंग का कोर्स कर रहा है, ठीक है, दूसरे फ्रेंड कर रहा है, अरे यार मैं तो ये कर रहा हूँ, तू भी आजा मेरे साथ एडमिशन ले ले, वो फ्रेंड क्या करता है, अच्छा तू वहाँ पर एडमिशन ले ली तूने, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी ले लेता हूँ, वो ये नहीं सोचेगा कि उसका मतलब है वहाँ नहीं है, उसका मन है नहीं है, नहीं सोचता वो जाता है और एडमिशन ले लेता है। इससे एक और समस्या उत्पन्न होती है, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए आपने आज से 8-10 साल पहले, हम चलते हैं पीछे, चलते हैं 8-10 साल पहले, तकरीबन 2004 से लेकर 2006 के आसपास हम चलते हैं, ठीक है, और 6 से फिर हम आज तक की बात करेंगे, 6 से आज तक हमने देख रहे हो क्या मिला, ये हम एक स्केल देखते हैं पूरा का पूरा, तो इससे आपको चीज़ समझ आएगी। जब 2004 और 6 में बच्चे थे तो एक बहार चली आई थी बड़ी तेज, जब कहते ना हर बच्चा कि क्या करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ठीक है, इंजीनियर बनेंगे, इससे क्या हो, देखिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप अगर झुंड में जाएंगे, समझ रहे हैं ना, देखिए पहले होता था ना कि चुटकुला भी चलता है फेसबुक पे व्हाट्सएप पे कि पहले किसी घर में जाओ, किसी शहर में जाओ, तो वहाँ होता था कि भाई यहाँ इंजीनियर बाबू का रहते हैं, बोलो वो बड़ा सा बंगला है ना, वो बड़ी सी कोठी, वो उन्हीं की, इंजीनियर बाबू की, और आज पूछो तो अब घूम ले ढूंढ ले हर शहर, हर घर में 10 इंजीनियर पड़े हुए होंगे आजकल, तो ये कैसे हुआ, ये सोच कैसे डेवलप हुई कि जब इंसान एक ही चीज़ के ऊपर ज़्यादा भागा, ठीक है, पहले एक चीज़ के लिए आपको 1,00,000 रुपये सैलरी मिल रही है, एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, लेकिन अब उस काम को करने के लिए 50 बंदे खड़े हैं लाइन में, ठीक, तो कहेगा भाई मैं इसके लिए 1,00,000 क्यों दूँ, जब 50 बंदे खड़े हैं तो मैं उनमें से किसी एक को ले लूँ जो सबसे कम में मान जाएगा। क्या क्या हुआ कि इंजीनियर इतने बढ़ गए कि इंजीनियर में रोजगार खत्म होने लगा धीरे धीरे, ठीक है। देखिए आज ऐसी बात नहीं कि आज भी लाखों की सैलरी मिलती है, लेकिन उस इंजीनियरिंग, एक आप बहुत अच्छे IIM से जाकर कर रहे हैं, ठीक है, IIT से कर रहे हैं, तो एक उसका एक बैकग्राउंड है, लेकिन क्या हर इंसान उतना अफोर्ड कर सकता है, उतना खर्चा उठा सकता है, नहीं। तो और क्या होगा कि भाई एक इंसान गया छोटे से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, कहीं पर पीछे चला गया किसी देश के कोने में एडमिशन लिया, वहाँ से इंजीनियरिंग करी, और चाहे वहाँ पर इंजीनियरिंग पढ़ने भी ना गया हो, एडमिशन लेके पास होकर के आ गया, तब क्या हुआ, हालांकि उस पर इंजीनियरिंग की डिग्री है, लेकिन उससे जो जॉब स्टार्टिंग हुई कितने 6,000 से लग गया, 6,000, अब वो क्या करेगा, बेरोजगार देखे बोला ठीक है यार पकड़ लो, क्या वैल्यू रह गई, बढ़ते बढ़ते 8,000 हुई, ठीक है, 10,000 हुई, 12,000 हुई, ज़्यादा 25,000 हो गई, तो क्या हुआ, एक भीड़ की तरफ दौड़ पड़े लोग, ठीक है। इस पे गांधी जी ने कहा था कि आदमी को अपना जो पितृवर्तक बोलते हैं, जो आपके पूर्वजों का काम है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि अगर आप किसी भीड़ की तरफ भागोगे तो एक दिन उस भीड़ में आपको नुकसान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक बात सोचने वाली है कि जब आप यहाँ से भाग रहे हो, 2004 में आप सबने इंजीनियर बनना शुरू किया, तो इंजीनियर बनते बनते ये वाली स्थिति आ गई 2006 की, वहाँ पे इंजीनियर बन रहे हो आप, 2018 तक आते थे जॉब कितनी बची इंजीनियर में देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात गांधी जी ने जो बोली थी कि आपको अपना पितृवर्तक भी अपनाना चाहिए मैक्सिमम को, अब यहाँ पर अगर 50% स्टूडेंट भी क्या करते हैं कि मान लीजिए उनके फादर जो किसान है, एग्रीकल्चर पढ़ के, ठीक, और किसानी करते हैं, ठीक है, खेती बाड़ी करते हैं और अच्छा उसमें डेवलपमेंट करते हैं, तो एग्रीकल्चर की भी स्थिति सुधरती और यहाँ पर भी स्थिति जो होती है वो कंडीशन जो होती है वो अच्छी होती, तो इस प्रकार से अब मिलता है, ठीक है। अब यहाँ मोटिवेशनल की हम बात कर रहे थे, वहीं पर आए थे वापस, वो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था। अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर मोटिवेशनल का आपको अभाव देखने को मिला कि भाई किसी प्रकार से आपको मोटिवेट नहीं कर रहे आपके फ्रेंड, कुछ अच्छे फ्रेंड होते हैं बोलते कर देते हैं कुछ अच्छे। अब यहाँ पर देखिए आप मान लीजिए किसी लड़के ने बोला कि यार एक काम करता हूँ मैं PhD करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसने बोला मैं PhD करने जा रहा हूँ, दूसरा बोलेगा क्या अबे पागल हो गया मजाक कर रहा है, इतना पढ़ेगा डॉक्टरेट करेगा पढ़ने में, मतलब तेरे से ना हो पाएगा भाई, तू हमारे साथ ही पढ़ा है हम जानते हैं तू कैसे पढ़ता है। मान लीजिए किसी ने बोला कि मुझे तो UPSC करना IAS बनना है, ठीक, तो बोला देखो 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 इसे IAS करना है, कभी रेगुलर भी स्कूल गए हो ठीक से, सारी क्लास अटेंड किया, IAS वालों के 95% मार्क्स से ऊपर ऊपर रहते हैं जो IAS करते हैं, तो इस प्रकार की अवधारणा उनके मन में रहेगी। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि ये लोग जो है ये मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं बेटा कर सकते हो, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये आप कुछ बात बोल रहे हो काट देते हैं, करेक्ट है ना, काट देते हैं, तो ये ऐसे कम्युनिकेशन का अभाव होता है यहाँ पर, ठीक है। किसका अभाव है यहाँ पर, मोटिवेशन का अभाव मिल रहा है आपको, मतलब अभी प्रेरणा आपको नहीं मिल रही, अभी प्रेरणा बहुत जरूरी है, और अभी प्रेरणा की सीमा की कमी किसमें देखी गई है आप में,
हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में हमेशा अभिप्रेरणा का अभाव देखने को आपको मिलता है। ठीक, अब इसके बाद में इसका तीसरा इफेक्ट है वो हम देख लेते हैं। देखिए एक ग्रुप मैं यहाँ बना रहा हूँ फिर से, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, इसमें ग्रुप की ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा महत्वपूर्ण एक स्थिति देखने को मिलती है ग्रुप की हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में। अब देखिए यहाँ पर जो हमने ग्रुप बनाया है, मान लीजिए ये आपस में कोई बात कर रहे हैं, ठीक, अभी जो भी बात कर रहे हैं, जो अभी बात कर रहे हैं आपस में, उसमें क्या होगा, इन्होंने डिसाइड किया कि आपस में कुछ डिस्कस करना है, बैठ के एक डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे तो बहुत कम होता है कि डिस्कस कर रहे हैं ऐसे एक हम उम्र के लोग मिल करके, लेकिन ये डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ क्या होगा, ये अपनी बात रख रहा है तो ये वाला जो पर्सन है ये कह रहा है, ये अपने मजे ले रहा है, गाने बजा रहा है, दबा के मस्ती में है, ये इसकी बात को सुन नहीं रहा, ध्यान नहीं दे रहा, या फिर दोनों आपस में लगे पड़े हैं कि अच्छा यार बहुत दिनों बाद मिले कैसा है, तो ये वो अपनी बात रख रहा है, इनका ध्यान ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों आपस में कुछ कर रहे हैं, ये दोनों आपस में कुछ कर रहे हैं और ये बैठ कर इसकी बात सुन रहा है, तब क्या होगा, क्या होगा, रुकावट एक देखने को मिली, यानी कि शोर शराबे वाली स्थिति उत्पन्न हो गई यहाँ पर। कैसे हुआ कि इसने जो बात रखी, अभी थोड़ा सा बोलता है अच्छी तो मैंने बात बोली वो कैसे थी, इन लोगों ने बात को सुना भी नहीं, बोला अरे बहुत ठीक था यार, बढ़िया, तू कभी गलत डिसीजन लेता ही नहीं, तेरे फैसले हमेशा अच्छे होते हैं मेरे भाई, तू एकदम बढ़िया फैसले लेता है। क्या हुआ, फैसला इसका चाहे गलत हो लेकिन उन्होंने उसको सपोर्ट कर दिया बिना सुने, क्योंकि ये लगे हुए थे अपनी मौज मस्ती में। और यहाँ पे इसके साथ नहीं है, इनके साथ भी है, ये कोई भी कुछ भी करे, ठीक, फैसला गलत तुरंत ले सकता है इंसान। यहाँ पे क्या होगा कि एक भौतिक रुकावट दिखाई दी, अब ऐसा नहीं है कोई अलग पर्सन आ रहा है या फिर कोई बारिश हो गई, ठीक है, या कोई भूकंप आ गया, उससे रुकावट नहीं, इन्होंने अपने आप में ही एक रुकावट पैदा कर दी। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, आप किसी को कुछ बात बोलते हो और उसका बात सुनने का दिल ही नहीं कर रहा, वो आप बस आपकी खड़ा सुन रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, आपने एक बात उसको बोली या तो वो हेडफोन लगा लिया उनने कान में कि आवाज़ ही नहीं आएगी जाने दे, ठीक है, या फिर आप उससे बात कर रहे हो फेस टू फेस और वो यहाँ वहाँ देख रहा है, यार किसी तरह से पीछे उड़ाओ, चिपक गया आदमी मुझसे, ठीक, इस प्रकार की अवधारणा। तो क्या हो गया कि आपको जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पा रहा, आप जो बात उसको समझाना चाह रहे हो वो नहीं समझ पा रहा, तो ऐसे को हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर भौतिक रुकावटों का होना जरूरी होता है, जो लिमिटेशन है उसमें। अब यही बात सोचिए, इसी को हम एक फैमिली में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक फैमिली के तौर पे हम बनाते हैं, ये बन गया, अब इसमें मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए फैमिली, अब ये जो बात कह रहे हैं सबके साथ एक साथ बैठे हैं ग्रुप में और ये कुछ बात कह रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये जो बात कहेंगे सबके साथ इनकी बात सुन रहे हैं, फैमिली का मुखिया है भाई, बोल सकता है तो सुनना पड़ेगा सबको, सब बात सुनने, तो क्या हो रहा है, आपको रुकावट मिली। अब मान लीजिए ये जो लड़का है शरारती दिख रहा था शक्ल से, ठीक है, शक्ल ही ऐसी बन गई, क्या करूँ, अभी क्या करेगा ये, कुछ गेम में शुरू कर देगा, कुछ आवाज़ करेगा, उसको डांट पड़ेगी, कान पर थप्पड़ ही पड़ सकता है कि जब बंद कर दे मैं बात बोल रहा हूँ, पहले वो सुन ले, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, सिंसियरली बात सुनी जा सकती है कि बोला, या फिर अलग कंडीशन ले लो, क्या, अधिकारी की और कर्मचारी की। अब इस प्रकार की कंडीशन ले लो तो क्या होगा, अधिकारी बोले मीटिंग बुलाओ सबकी, तो क्या मना कर देगा कोई आने के लिए कि नहीं नहीं ये तो रोज का ड्रामा हो गया मैं नहीं आ रहा, ऐसा हो सकता है, नहीं, मीटिंग बुलाई जाएगी तो आपको मीटिंग में आना होगा, और जब मीटिंग में बॉस जो बोलेगा आपको सुनना होगा, अगर आपका ध्यान, मान लीजिए आप मोबाइल में लगे पड़े हैं टिक 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 करने में, बॉस बोलेगा ओए अभी टर्मिनेट करो इसको, करेक्ट है, या फिर आप कुछ और काम पे ध्यान दे रहे हैं, फिर आप आपस में बात कर रहे हैं तो बॉस क्या बोलेगा, आपको तुरंत निकाल देगा, ठीक है, निकाल देगा, कोई पनिशमेंट देगा आपको, उस मीटिंग से भगा देगा, आपकी इंसल्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है एक्स वाई जेड, ठीक है, ऐसा नहीं मार देगा वो सब नहीं होगा, लेकिन जो जेन्युइन रीजन है वो कर सकता है आपके साथ। लेकिन यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें उठ करके इसमें डंडा बजा दो कि तूने मेरी बात में थप्पड़ मारा इसको कि तूने बात कैसे सुनी मेरी, वो क्या बोलेगा, क्यों भाई तेरा गुलाम तेरी बात सुनूंगा, मैं तो नहीं सुनता जा। इसमें क्या होगा कि आपको पता है कि ना तो आपको कोई लाभ हो रहा है ना एक प्रकार से हानि हो रही है, दोस्ती है ठीक है, चार बात बोली वो बोले मैं नहीं सुन रहा भाई तेरी मेरी मर्जी, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अभाव किसका आपको देखने को मिला, यानी कि भौतिक रुकावटें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है।
हालांकि कुछ लोग सिंसियर भी होते हैं कि भाई बोला उन्हें सुन लिया कि हाँ भाई अच्छा तुम्हारी बात ये ठीक है हमने सुन लिया, बहुत आराम सुन लेते हैं, लेकिन हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा ये, ठीक है। वो इक्का दुक्का वही मैटर करता तो ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये था इसका लिमिटेशन। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इसमें। इसमें जो पहला पॉइंट डिस्कस हम करेंगे वो होगा समतल संचार को प्रभावी बनाना कैसे देखते हैं। देखिए समतल है, सॉरी, ठीक है समतल। अब यहाँ क्या है कि एक संगठन है। अब संगठन में हमने जो उदाहरण लिया था वो यही था ना कि भाई यहाँ पर एक अधिकारी हो गया और उसके नीचे क्या हो गया कर्मचारी हो गए। अब जो कर्मचारी हो गए, ठीक, क्या अपवर्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा इनमें? अपवर्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो आपको देखने को मिल रहा है संगठन में, तो उसमें हम क्या करेंगे समतल संचार को प्रभावी बनाने की कोशिश करेंगे। कि सोचिए कि अगर यहाँ पर समतल संचार होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन सेम होगा ऐसे कि ये इससे बात कर सकता है, ये इससे बात कर सकता है, तब स्थिति कैसी होगी? तब स्थिति अच्छी होगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो बढ़िया होगा, आपस में दोनों अपनी बात रख सकते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर आपस में क्या देखिए, यहाँ पर ये जो है कंडीशन, इसमें आपको हॉरिजॉन्टल देखने को मिलेगी, ठीक है, और इसमें मिलेगी। क्योंकि क्यों मिलेगी सोचिए भाई, ये कर्मचारी हैं, इनका अपना एक लेवल है, अपना एक अलग ग्रुप है, तो ये लोग आपस में बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। और ऐसे अधिकारियों में है कि अधिकारी आपस में अपनी बात कर सकते हैं, अपनी समस्या को बता सकते हैं। तो इन दोनों में तो है, लेकिन इन दोनों में अलग अलग है, इनके बीच का जो गैप है इसको कम करने की बात करी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो संगठन को प्रभावी बनाने के लिए एक प्रकार से, ठीक है, संगठन संरचना के प्रत्येक स्तर पर, अब यहाँ पर कोई भी स्तर हो सकता है, देखिए अधिकारी का स्तर हो गया मैंने दिखा पे, ठीक है, या फिर आपका सुपरवाइजर का स्तर हो गया, मैनेजर का स्तर हो गया, ठीक, और क्या हो गया CEO हो गया, कोई भी स्तर हो सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट हो सेक्टर, आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, कोई भी स्तर, ठीक है, वहीं पर ये चीज़ लागू होगी कि आप जो है वो संगठन संरचना के प्रत्येक स्तर पर, ठीक है, समतल संचार को प्रभावी बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या होगा, ये समतल संचार को प्रभावी तत्व है कि प्रभावी कैसे बनता है, उसका तत्व है इस संगठन को इक्वल बनाना, ठीक है, सभी संगठन को इक्वल बनाना। सेकंड हम बात करें, सेकंड क्या है, सेकंड है अधीनस्थों के मध्यम स्वतंत्रता पूर्वक उदारता पूर्वक एवं खुले दिमाग से विचार विनिमय एवं संदेशों का आदान प्रदान। अब देखिए, तो आदान प्रदान क्या की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम बात करेंगे विभिन्न
विभागों को लेकर के, ठीक। देखिए विभिन्न विभाग में क्या होगा, जो अधीनस्थों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे स्वतंत्रता पूर्वक, मतलब किसी को ऐसे बेड़ियों में जकड़ के नहीं कि नहीं भाई आप ये काम करोगे, आपको यहीं पर फिक्स कर दिया हमने, ठीक है। अब एक डिपार्टमेंट हो गया वहाँ पर, ऐसा नहीं, आप जैसे कि एक प्रकार से डिपार्टमेंट भी ना ले हम, ठीक है, विभाग हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में हम ले सकते हैं, रिलीजन कास्ट, ठीक है, उसमें भी ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर भी ले सकते हैं, चलिए यहीं पर ले लेते हैं, ये अच्छा लगेगा, रिलीजन कास्ट को इसमें डालना भी सही नहीं लगता, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्वक मतलब जो कर्मचारी है ना आपका, जो कर्मचारी यहाँ पर जो काम करेगा उसको अपनी बात रखने का स्वतंत्रता पूर्वक हक होना चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं आप उसकी बात को दबा दोगे, काट दोगे, वो सब नहीं, काम करने का भी एक स्वतंत्रता पूर्वक हक होना चाहिए। अब मान लिया आपने कहा कि भाई आप ये काम नहीं करोगे, आप ये वाला काम करोगे, ठीक है, आपने इस वाले काम पर रोक लगाई कि आप ये नहीं करोगे, आपको ये वाला काम करना होगा, भले वो उस काम के काबिल ना हो, लेकिन आपने जबरदस्ती उसको थमा दिया कि भाई आप ये काम करोगे, आपकी गलती होगी तो मेरे को मज़ा आएगा, बहुत समय तारीफ होंगी, ऐसे भी होता ना, देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम उदारतापूर्वक एवं खुले दिमाग से विचार भी, मतलब किसी के विचार भी सुने जाए, ठीक है। अब विचार सुनने का तरीका होता है, या तो देखिए मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि कंपनी में या फिर किसी भी सेक्टर में कोई समस्या देखने को मिलती है। अब जो समस्या आ गई उसको समझाने के लिए क्या जरूर थोड़ी है कि जो समस्या आई उसको जो बॉस है वही समझा लेगा, सुलझा लेगा, संभव नहीं है, जरूर थोड़ी है बॉस को हर चीज़ का ज्ञान हो। अगर बॉस को हर चीज़ बहुत सारी बॉस ही कर लेता तो इतने सारे जो एम्प्लॉय रखता है बॉस को किस लिए रखेगा, ठीक है। अब यह क्या होगा, बॉस ने मीटिंग बुला ली, अब मीटिंग बुलाने के बाद क्या हो रहा है कि भाई एक बात बोली जा रही है कि हमें समस्या का समाधान बताइए। अब जूनियर लेवल का बंदा बता रहा है तो बीच वाला जो बंदा वो मना कर रहा है कि सर ये थोड़ी बता पाएगा, इतना जूनियर बंदा है, हम लोग बैठे हैं, हमारे सामने बोल रहा है, ठीक है, उदारता पूर्वक नहीं है और खुले दिमाग की तो बात ही नहीं हो रही है ऐसी कंडीशन में। हर किसी की बात सुनी जाए, ठीक, क्योंकि समस्या तो कोई भी दे सकता है, क्या वो ऑफिस में जूनियर लेवल पर हो या ऑफिस में सीनियर लेवल पर हो, सबके सब अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब जब वो विचारों का आदान प्रदान करेंगे तो क्या पता कि जो बात उन्होंने सोची हो वो दूसरे के सोचने से ज़्यादा अच्छी हो, कंपनी के लिए बहुत लाभकारी हो, ठीक है। तो पॉलिसी में ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई जो विचारों का आदान प्रदान है, विचारों का जो विनियमन है, वो समस्या का समाधान कर सकती है। अब जैसे संदेशों की जो बात, वही संदेशों में क्या हो रहा है, विचारों की बात हो रही है संदेशों में, ठीक। ऐसे नहीं आप कोई लेटर लिख के भेज रहे हैं, जैसे कि ये जो कर्मचारी वर्ग है, ठीक, अब मान लीजिए कोई कर्मचारी छुट्टी पे भी है तो आप बोलेंगे कि भाई तुम लोग उस दिन आए नहीं, अभी तुम लोग छुट्टी ले गए हुए तो हमने ये वाला फैसला ले लिया, भले उस फैसले से उसको कुछ लाभ हो जाए या हानि हो जाए वो एक अलग बात है, ठीक है। तब क्या होगा, तो ऐसे में एक टाइम पीरियड भी डिसाइड करना चाहिए कि भाई 4 वीक का टाइम आप दे दो कि भाई 4 हफ्तों के बाद में आप इस चीज़ में हमें समाधान प्रोवाइड कराएं, तो ऐसे भी हो सकता है। या फिर हो सकता है क्या कि टाइम 4 वीक का ना दे करके आपने नोटिस भेज दिया, ईमेल भेज दिया कि आप जवाब दीजिए, तो विभिन्न प्रकार से आप जवाब दे सकते हो, ठीक। तो उसमें क्या होगा कि स्वतंत्रता पूर्वक है, उदारता पूर्वक भी है और विचारों का खुला आदान प्रदान, खुले दिमाग की बात वहाँ हो रही है। अगर यहाँ पर ये चीज़ ना होकर केवल एक कंडीशन में आ जाएगी इसी तबके के लोग हैं वो ही आंसर देंगे तो ना स्वतंत्रता पूर्वक है, हाँ उस तबके के लिए या फिर उस पोस्ट वाले व्यक्तियों के लिए वो स्वतंत्रता पूर्वक हो सकता है, लेकिन सबके लिए वो स्वतंत्रता पूर्वक नहीं हो सकता। सबके लिए कैसे कह सकते हैं, ना वो उदारता पूर्वक हो सकता, क्योंकि आप किसी से घृणा भी कर रहे हो और किसी से उदार बन रहे हो। आपने एक पोस्ट वालों को ही बोला कि आप ही लोग इसका जवाब दोगे, बाकी की हैसियत नहीं, तो आपने क्या कर दिया, उनको एक नीचे दिखा दिया, ठीक है, और बाकी को आपने ऊपर उठा दिया, और खुले दिमाग को तो आप बात ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो उस प्रकार की बात है, और ये कि अगर समतल संचार को प्रभावी बनाने वाला है तो उसको बनाने के लिए कुछ तत्व है, और उसमें से एक तत्व क्या है कि जो विभिन्न विभाग हैं, विभिन्न विभागों में जो अधीनस्थों के माध्यम स्वतंत्रतापूर्वक, उदारतापूर्वक एवं खुले दिमागों से विचार विनिमय एवं संदेशों का आदान प्रदान होना चाहिए, ठीक है। अब इसका अगला स्टेप देख लेते हैं हम लोग। देखिए हॉरिजॉन्टल जो कम्युनिकेशन है उसमें जो प्रभावी, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को जो प्रभावी बनाने वाले तत्व हैं उसमें एक थर्ड आता है कि समस्या के विभिन्न पहलुओं पर सम्मिलित विचार विमर्श करना, ठीक। हमने किसी भी प्रकार की समस्या की बात कर ली, अब जैसे मान लीजिए
कंपनी में ही है, ठीक। अब किसी प्रकार की समस्या की बात बॉस ने कर दी, भाई ये समस्या हमारे सामने है, और उसने कहा सारा स्टाफ जितना भी स्टाफ बचा ना यहाँ पर, जो भी स्टाफ स्टाफ जो भी रहेगा, उसको बोला भाई हल खोज के लाओ, मुझे नहीं पता कहाँ से लाओ, आप हल खोज के लाओ। जिसने हल खोज के लाया उसको इनाम बढ़िया वाला। क्या हुआ, सबके तब हल खोजने में जुट जाएंगे, और संभव है कि जल्दी और अच्छा हल मिल भी जाएगा। लेकिन अगर ये केवल मैनेजर को पकड़ ले, ये बोलेगा भाई ऐसा है, बगल में कैबिन है मैनेजर का, उसे बुला लिया, हाँ भाई हल दोगे लेकिन तुम ही दोगे, मुझे नहीं पता बाकी की औकात नहीं, क्या होगा, ठीक। इस सम्मिलित विचार विमर्श की बात ही नहीं उठी यहाँ पर, ठीक है। समस्या के विभिन्न पहलुओं की जो बात है, लेकिन उस पर जो विचार विमर्श करना चाहिए उसकी बात नहीं उठी यहाँ पर, ठीक है। उसका यहाँ पर अभाव हो गया। अब यहाँ पर जो निर्णय लिए जाएंगे वो सामूहिक रूप से निर्णय होंगे, सही या गलत इसकी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो निर्णय लिए गए वो निर्णय केवल इन दोनों ने सोच के लिए आपस में, ठीक है। बाकी जो लोग यहाँ पर इंक्लूड हैं, जो हैं बाकी लोग इन्वॉल्व हैं, क्या वो उसमें निर्णय लेने में सक्षम है, या फिर उनके मतलब का निर्णय है वो। इन्होंने मान लो कानून बना दिया कि 8 की जगह पर 10 घंटे काम होगा यहाँ पर, ना कोई ओवर टाइम ना कुछ। ये बोलेगा भैया मैनेजर और बॉस मिलकर कर लो, हम जा रहे घर को सारे के सारे, हमारे तो बस की नहीं है, हमसे पूछा आप लोगों ने, हैं हम करेंगे तो किस कंडीशन में, कुछ चीज़ पूछी हमने, आपने कारण बना दिया, आप कौन हो तो कानून बनाने वाले, पूछो हमसे भी, क्योंकि एम्प्लॉय का भी हक है इतना ही। अब ये समस्याएं देखने को मिल रही है, तो क्या हो गया। लेकिन अगर आप सर्वसम्मति से कोई फैसला लोगे, सर्वसम्मति से कैसे, सोचिए एक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से देख लेते हैं। मान लीजिए एक समूह है जिसको हम बोलते हैं पंचायत टाइप का है, अब आप पंचायत सा बना देते हैं हम, और ये बन गए आपके पंचायत के लोग, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 अभी जो लोग बन गए पंचायत के, ये क्या करेंगे। मान लीजिए इनके पास कोई फैसला आ गया, ठीक है। अब फैसला क्या है, सामाजिक चीज़ों जुड़ा हुआ फैसला है। इन्होंने क्या करा, भाई एक काम करो, ये जो नंबर वन वाला ही बंदा है, इसको बोला यार ठीक है दंड दे दो, इसे लटका दो फांसी पे, मतलब पंचायत फांसी पर लटका सकती, लेकिन बोला तुम्हें इस काम करो, इसको बिरादरी से बेदखल कर दो। बाकी चार बोले पागल है यार ऐसा नहीं कर सकते, दो सपोर्ट वहाँ बोले नहीं कर दो यार सही है, तीन बोले नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, सर मानने की बात आ जाएगी, भाई तीन नहीं बोल रहे हैं, एक तरह का वोट का सिस्टम हो गया कि भाई तीनों ने वोटिंग ना मत दी, दोनों हाँ मत दी, तो कैंसिल मांगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, भाई बातचीत करेंगे, तो क्या होगा कि कोई भी फैसला, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक ही बंदा होता, एक बंदा हो गया, उसने ना जनता की बात सुनी ना किसी की बात सुनी, वो कहा भाई नहीं मैं तो यही कहूँगा इसको भगा दो यहाँ से, गाँव से भगा दो, निकाल दो बाहर। क्या हुआ, वो या तो ये भी सकता है वो पीछे से अपने खुंडे से निकाल लो कि बेटा एक दिन फंसेगा मेरे जाल में बताऊंगा तुझे, तो अपने खुंडे से भी निकाल सकता है, ठीक। और क्या करेगा कि अपने खुंडे से निकालने चक्कर में उन्हें किसी की बात नहीं सुनी, और क्योंकि भाई अधिकारी वो है, वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर क्या सर मानने वाली बात है दिखने रही, यहाँ पर वो बात दिख रही है, ठीक है, कि सबके संबंध से। अब यहाँ पर क्या हुआ, विचार विमर्श हुआ, एक अच्छा उदाहरण निकल के आया, ठीक है। जो फैसला लिया गया वो समाज के हित में था, संगठन के हित में था, उससे समाज पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा, ठीक। लोग उसकी बातों उनकी बातों सहमत है, क्योंकि फैसला किसी एक इंसान ने नहीं लिया, सारे पहलुओं को समझा समझ कर देखा भी क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस हिसाब से फैसला लिया गया। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाने वाला ये भी एक प्रकार का तत्व है, जहाँ पर हर चीज़ की बात सुनी जाती है, समझा जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से आपका जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम अगले कम्युनिकेशन में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।